इन शेप्स का अपने आप वूल कट रहा है। ये जो तुम लोग देख रहे हो ये गिरा हुआ है, ये नीचे एक माइनकार्ट उठा लेगी और हमें उसका प्रोडक्शन दे देगी। ये एक शुगर केन फार्म है, इसके अंदर पूरी शुगर केन आती रहेगी, ये अपने आप ग्रो होगी और टूट के तुम लोगों को मिल जाएगी, सीधे हार्वेस्ट हो जाएगी। ये हम लोगों के विलेजर्स हैं, ये जो काट रहा है ना ये वीट को, ये हमें फ्री में हमारे लिए सारा काम कर देगा, रीप्लांट कर देगा और इसका वीट का भी प्रोडक्शन कर देगा। ये हम लोग का मेलन फार्म है, ये इसको बस एक बार प्लांट करना और फिर जिंदगी भर मेलन मिलता रहेगा। ये हम लोगों का बोन मील फार्म है, बोन मील की तो अब भरमार हो जाएगी अब तुम लोगों के पास। तो चलो सबसे पहले मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं अपना शीप फार्म। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को क्या करना है, एक होल डिग करना है। मैं ये है 5x2 मतलब 5 ब्लॉक्स वाइड है और 2 ब्लॉक्स हाइट है इसकी, मैं इसको 2 ब्लॉक्स डीप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे तुम लोगों को ऐसे करके चेस्ट लगानी है, पहले कोनों में लगा देना फिर बाद में लगाना बीच वाली, ताकि वो दूसरों से कनेक्ट ना हो जाए। फिर तुम लोगों को अपनी चेस्ट से हॉपर कनेक्ट करना है और ऊपर रेल्स लगा देनी है। इस रेल के ऊपर एक माइनकार्ट विद अ हॉपर चलेगी, वो सारे सामान को ऊपर से उठाएगी और नीचे वाले हॉपर में देगी, और वो नीचे वाले हॉपर तुम्हारी चेस्ट में देंगे। फिर से वुड लगा के तुम लोग को जो डिस्पेंसर लगा सकते हो, और उसके सामने कुछ ग्रास ब्लॉक्स रख देना। यहाँ पे मैं ट्रैप डोर लगा रहा हूँ ताकि हम लोग बाद में जाके खोल पाएं। यहाँ पे एक लीवर लगा दो तुम लोग ऐसे करके, ताकि तुम लोग की माइनकार्ट चलने लगे। इनके ऊपर मैंने बैरल्स रख दिए, तुम लोग को जो भी ब्लॉक चाहिए वो लगा सकते हो। और मैंने यहाँ पे स्टेयर्स लगा दिए। तो चलो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को फिलअप कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों की शीप्स आएंगी, मैं इसलिए इसको पूरा भर रहा हूँ ताकि पीछे से भाग ना जाए ना, वो बहुत गंदी वाली हरकत हो जाएगी। तो तुम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जर्वर्स रखना है। ऑब्जर्वर क्या करेंगे, जो जैसे हमारी शीप्स है ना ग्रास खाएंगी ना, तो वो डिटेक्ट कर लेंगे ऑब्जर्वर, और वो रेडस्टोन सिग्नल देंगे। वो रेडस्टोन सिग्नल देते ही हम लोगों के डिस्पेंसर्स उन शीप्स का वूल काट लेंगे, और वो हॉपर हमारा वो चेस्ट के अंदर रख देगा सारा का सारा वूल, और तुम लोगों को फ्री का वूल मिलता जाएगा हमेशा। तुम लोगों को ग्रास के बारे में वरी करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है शीप्स के खाने की, बस तुम लोगों को क्या करना है, किसी भी तरीके से शीप इसके अंदर डाल देनी है। मैं रिकमेंड करूंगा तुम लोग एक लीच से पकड़ के ले आओ कुछ इधर उधर से, और फिर डाल दो आराम से सर्वाइवल के अंदर ना। मैंने अभी ऊपर से तो ग्रास से मैंने इसको डेकोरेट कर लिए, तुम लोग जैसे भी चाहो अपनी मर्जी से कर सकते हो, क्योंकि यार माइनक्राफ्ट है, योर इमेजिनेशन इज योर लिमिट गेम तक बोलता है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ग्रास ब्लॉक सा बनाया, काइंड ऑफ नीचे डार्क वुड है और ऊपर ऐसे पेड़ पौधे से लगे, काफ़ी प्यारा है। चलो यहाँ पे फेंस से क्लोज ऑफ करके निकल लेते हैं। ये हम लोग का यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर रिमेंबर करना गाइस, तुम लोगों को क्या करना है, इन सब डिस्पेंसर्स के अंदर तुम्हें शीयर्स जाननी है, कैंची वो ही कट करेंगी, वरना तुम लोगों का ये वर्क नहीं करेगा। अब देखो गाइस, वो ऑटोमेटिकली एक शीप का कट भी हो गया हम जब तक काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ लैंप्स लगा देता हूँ ताकि हम लोगों को रात के अंदर भी दिखता रहे, क्योंकि यार काफ़ी यूजफुल होगा ना, तुम लोग कभी भी आके अपना वूल ले सकते हो आराम से, दूर से भी दिख जाएगा। मैं अब इस पूरे के पूरे को उससे कवर कर लेता हूँ, ट्रैप डोर सारी ग्रास ब्लॉक को, और ये हम लोगों का शीप फार्म पूरा हो चुका है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, अब तुम लोगों के पास बहुत ज़रा वूल होगा, तुम लोग इसको स्टैक भी कर सकते हो और सबके लिए। चलो अब शुगर केन फार्म बनाते हैं हम लोग। ये भी काइंड ऑफ बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर ऊपर वाले पार्ट के अंदर हल्का सा डिफरेंस होगा। तुम लोगों को वैसे ही जैसे मैंने बताया था ऐसे चेस्ट प्लेस करनी है, याद रखना बीच वाली आखिरी में बनाना बिल्कुल। और हाँ एक बात बताना तो भूल ही गया, हॉपर्स को तुम लोग वैसे लगाना कि चेस्ट की तरफ देख के, ताकि वो चेस्ट से कनेक्ट हो जाएं, वरना अगर कनेक्ट नहीं होंगे ना वो क्या करेंगे, अपने अंदर ही वूल रखे रहेंगे और तुम्हें अपना सामान नहीं मिलेगा। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक पीछे तक कर रहे हैं वुड को एक्सटेंड, और यहाँ पे सैंड लगा रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है डिफरेंस। और यहाँ पे तुम लोग अपना पानी डाल देना, क्योंकि अगर तुम लोग पानी डालोगे ना तो तुम्हारे जो शुगर केन है, या फिर बैम्बू फार्म भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि बैम्बू और शुगर केन सेम वे से उगती हैं, ये उसकी प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। अब मैं यहाँ पे अपने पिस्टन लगा रहा हूँ, ये हमारी शुगर केन और बैम्बूज को तोड़ देगा। और सबसे ऊपर तुम लोगों को लगाना है फिर से ऑब्जर्वर, और पीछे रेड स्टोन लगा देना ताकि वो तुम्हारी पिस्टन को सिग्नल दे। और ये हम लोगों के ऑब्जर्वर लग चुके हैं। मैं इस पूरे सिस्टम को क्लोज ऑफ कर रहा हूँ, ताकि जैसे कभी कभी गेम के अंदर हरकतें होती हैं ना, जैसे पानी डल गया किसी तरीके से, तुम लोग किसी और चीज़ के अंदर बिल्ड करो, कवर कर दोगे अच्छा रहता है। तो ये ऑब्जर्वर के सामने जैसे ही कुछ भी ब्लॉक आएगा ना, जैसे हम लोग की शुगर केन उग गई और उसके सामने आ गई, वो पिस्टन को एक्टिवेट कर देगा और वो नीचे से तोड़ देगा पूरी की पूरी, और नीचे जैसे हम लोगों ने वो माइनकार्ट लगाई थी वो सारा का सारा पिकअप कर देगी। मैं ऊपर इस बार चूज कर रहा हूँ फ्लावर्स लगा देता हूँ, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना, पिछली बार मैंने बोन मील का यूज़ करा था, और पिछली बार की तरह तुम लोग अपनी क्रिएटिविटी का इस पार्ट के अंदर काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पिछली बार की तरह ही बैरल्स, ट्रैप डोर्स और स्टेयर्स लगाई हैं,
यहाँ पे लीवर लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और उसे ऑन करना याद रखना, ऑन करना यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन नहीं किया तो फिर वो पिकअप नहीं करेगा तुम्हारे आइटम्स को। तो यहाँ पे हम लोग को फिल आउट करना है, और इसके अंदर हल्के से अलग तरीके से हम लोगों को ग्लास लगाना होगा। यहाँ पे हम लोग हल्का सा इसको ऊपर से भर देते हैं, और यहाँ पे लैंटर्न्स लगा देते हैं पिछली बार की तरह, रात में यहाँ रात में दिख जाए ना तुम लोगों को। अब मैं यहाँ पे अपने शुगर केन्स और बैम्बूज लगा रहा हूँ, तुम लोगों को जिसकी भी ज़्यादा ज़रूरत हो उसको लगा देना। और याद रखना, इसको जितना भी लंबा चाहो ना तुम लोग उतना लंबा कर सकते हो, सेम मैकेनिज्म होगा, तो काफ़ी ईजी है ये और काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो ये हम लोगों का शुगर केन फार्म भी हो चुका है, इससे तुम लोगों का काफ़ी अच्छा पेपर का और शुगर का प्रोडक्शन हो जाएगा, और बाकी सब सामान का भी उसका। तो ये हम लोगों का तीसरा फार्म क्रॉप फार्म। यहाँ पे मैंने तुम लोगों के लिए मार्क कर दिए हैं डायमेंशन, ये जो ब्लैक वाले ब्लॉक्स है ना, वहाँ पे तुम लोगों को सबसे पहले तो लॉग्स लगानी है। तुम लोग स्ट्रेट अप फेंस भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने लॉग्स लगाए हैं, लॉग्स काफ़ी प्यारी लगती हैं यार। तुम लोग ट्राई करके देखना अपने फेंसेस के अंदर ना, ऐसे ब्रेकअप डालना और उनके ऊपर स्लैब लगा देना, क्योंकि अगर स्लैब लगाओगे ना फिर वो एस्केप नहीं कर पाएंगे, वो एक ब्लॉक से ज़्यादा हायर होगा ना, उसके ऊपर से क्रीचर्स जंप नहीं कर पाएंगे तुम्हारे। और यहाँ पे मैं बीच में फेंस से फिलअप कर दे रहा हूँ, फेंस काफ़ी अच्छे लगते हैं हमारे। यहाँ पे मैं पूरे के पूरे को फिलअप कर देता हूँ, और बीच में तुम लोग याद रखना यहाँ पे तुम लोग डोर लगा दो, कभी भी तुम लोगों को एक्सेस करने की ज़रूरत हो ना इसको और निकलने की भी ज़रूरत हो तो यहाँ पे लगा पो। यहाँ पे देखना गाइस, यहाँ पे एक अलग सा सेक्शन है, ये वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्ड करना नेसेसरी है। यहाँ पे बीच में तुम लोग एक पानी बनाओ, पानी एक ब्लॉक तोड़ के पानी लगा देना नीचे। मैं यहाँ पे अभी एक वेल बना रहा हूँ, ये ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत ही प्यारी लगेगी, तुम लोग ट्राई करके देखना अपने फार्म के अंदर। हम लोग यहाँ पे पूरे कंपोस्टर लगा रहे हैं, और हाँ कंपोस्टर ज़रूर लगाना। कंपोस्टर से क्या होगा, जो हमारा विलेजर होगा ना, हम लोग इसके अंदर लेके आएंगे, वो एक फार्मर बन जाएगा। और फार्मर क्या करता है, क्रॉप्स को तोड़ देता है और वो हार्वेस्ट कर लेता है और वापस रीप्लांट भी कर देता है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे हम लोग। वो विलेजर्स जब एक दूसरे से ट्रेड करते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर आइटम्स थ्रो करते हैं, तो जब वो आइटम्स थ्रो करेंगे ना, हम लोग क्या लगा देंगे, जहाँ पे वो आइटम्स थ्रो करेंगे उस फेंस के एरिया पे, उसके नीचे हम लोग हॉपर्स लगा देंगे, और उन हॉपर्स से हम लोगों का सारा व्हीट कलेक्ट हो जाएगा फ्री के अंदर। और वो विलेजर्स भी है ना सोचेंगे हम लोगों ने ट्रेड कर दी, तो काइंड ऑफ हम लोग उन्हीं का सामान ले रहे हैं। अब चलो यहाँ पे तुम लोग चेस लगाना, और जैसे कि मैं बोल रहा था यहाँ पे हॉपर्स लगा दो, यहाँ पे तुम लोग अपने विलेजर के लिए बेड लगा दो, उसको भी हैप्पी लगेगा ना, यहाँ पे रहेगा वो आराम से। तो चलो यहाँ पे मैं एक कार्टोग्राफर लगा रहा हूँ, कार्टोग्राफर स्टेबल लगा दी मैंने यहाँ पे, इससे तुम लोगों का ये वाला विलेजर कार्टोग्राफर बन जाएगा, फिर एक दूसरे से अपने ट्रेडिंग कर लेंगे। चलो अब हम लोगों को यहाँ पे पूरे के पूरे इस एरिया को वो करना है कल्टीवेट। कल्टीवेट से मतलब बस अपने हो को लो और फिर उसको पूरे को प्लांट कर दो। अब मैं यहाँ पे विलेजर ले आऊँ, जैसे कि मैं तुम लोगों ने देखा मैं बोट के अंदर लाया हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ तुम लोग बोट के अंदर लाओ, क्योंकि बोट के अंदर से वो एस्केप नहीं कर सकते। बस तुम लोगों को क्या करना है, विलेजर के सामने बोट रख देनी है, और देखो अब वो फार्मर बन चुका है, अब वो क्रॉप तोड़ रहा है, हम लोगों का पूरा काम कर रहा है ना, फिर वो जब ट्रेडिंग करेगा हम लोग अपने सारे सामान को पिकअप कर पाएंगे। ये हम लोगों का हो गया, और अब है हमारा फोर्थ फार्म मेलन फार्म। अभी मेलन फार्म काफ़ी यूजफुल होगा, ये तुम लोगों का काफ़ी अच्छा फूड का सोर्स होगा, ये फूड मिल जाएगा ना तुम लोगों का, तुम पूरी सर्वाइवल कर सकते हो इन पांचों के पांचों ऑटोमेटिक फार्म से। मतलब तुम्हारे बेड्स बना देंगे, तुम्हारा खाना भी हो जाएगा, मतलब वीट से खाना हो जाएगा, और इन मेलन से भी हल्के से स्लोअर होंगे लेकिन ये काफ़ी अच्छा फूड बनेंगे। पहले तो तुम लोगों को ऐसा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना देना, अभी कुछ रेस्टोरेंट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे पिछली बार की तरह तुम लोगों को पानी लगा देना, और एक ऑब्जर्वर लगाना, ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम लोगों के मेलन के ग्रोथ को देख लेगा, जैसे ही मेलन पूरा ग्रो हो जाएगा ना वो उसको पिकअप कर देगा। यहाँ पे मैंने पिस्टन्स लगाई हैं और उनके पीछे रेडस्टोन लगा दिए, हम लोग का ऑब्जर्वर उसे सिग्नल देगा और उसे दे देगा। अब तुम लोगों को परफेक्टली ऐसे करके यहाँ पे हॉपर्स लगा देने, याद रखना गाइस इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ताकि वो एक दूसरे को दें सामान। पिस्टन्स क्या करेंगी, मेलन्स को तोड़ के सामने फेंक देंगी, और वो हॉपर्स उसे पिकअप करके तुम्हारी चेस्ट में डाल देंगे। तो हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर तो हो चुका है, इसको मैं क्लोज ऑफ कर दे रहा हूँ अभी जल्दी से। तुम लोग अपने है ना ब्लॉक्स ऑफ चॉइस से है ना अपने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हो। मैंने क्या किया, वो छोटा सा ब्लॉक दिख रहा है तुम लोग को जहाँ से हम लोग की चेस्ट दिख रही है, उस वो इसलिए ताकि हम लोग बाहर से अपनी चेस्ट को खोल पाएं। मैं सामने कुछ ग्लास ब्लॉक्स लगा दे रहा हूँ ताकि हम लोगों को अंदर का भी देखे कितना ग्रो हो गया ना हम लोग का मेलन। ये नेसेसरी तो नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है ये। तुम लोग अपने फार्म्स के अंदर विंडोज डाला करो, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैं यहाँ पे मॉस ब्लॉक से इसको भर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा मेलन की तरह दिख रहा है ना। और हाँ, ये मेलन फार्म ही नहीं,
ये पम्पकिन फार्म की तरह भी यूज हो सकता है, तो तुम लोग इसके अंदर पम्पकिन भी प्लांट कर सकते हो अगर तुम लोगों को पम्पकिन बेटर लगते हैं ना। पम्पकिन भी अच्छे होते हैं, पम्पकिन से तुम गेम के अंदर पम्पकिन बाय बना सकते हो, काफी अच्छा फूड आइटम होता है वो। मैं ये पीछे के एरिया को ट्रैपडोर से क्लोज ऑफ कर दिए और यहाँ पे मैं ग्लो टॉर्च लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये नेदर से मिल जाती है आराम से। और यहाँ पे हम लोग ये लगाए थे, अगर तुम लोग चाहो ग्लो टॉर्च की जगह ग्लोस्टोन की जगह तुम लोग वो भी लगा सकते हो सी लैंटर्न। तो चलो अब इसको दूसरे फार्म्स की तरह ऊपर पूरे के पूरे को डेकोरेट कर देते हैं फ्लावर्स से। फ्लावर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं गेम के अंदर, मतलब ये जो लंबे वाले होते हैं ना बहुत अच्छा टेक्स्चर होता है इनका, बहुत ही प्यारा कलर है, तुम लोग देख रहे हो। चलो ये पूरा का पूरा हम लोगों का प्लांट तो हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं फेंस लगा के। और मैं भूल ही गया था यहाँ पे तुम लोगों को एक मेलन लगा देना, ये मैंने प्लांट कर दिया, वो फ्रेंड्स हल्के से हमारे पागल हो गए लेकिन कोई बात नहीं, वो अच्छे से वर्क करेंगे। और ये बन गया हम लोगों का मेलन फार्म, तुम लोगों का पूरा का पूरा फूड का सोर्स हो जाएगा। अब है हमारा बोन मील फार्म। ये बोन मील फार्म क्या करेगा, अगर तुम लोगों को मैनुअल वाली फार्मिंग करनी है ना तो पूरे के पूरे उसका यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी सिंपल है, बस तुम लोगों को कुछ चेस्ट एक नीचे रखनी है, उससे हॉपर्स को कनेक्ट करना है, उसके ऊपर तुम लोगों को कंपोस्ट लगा देना, उसके ऊपर एक और हॉपर लगाना है और फिर चेस्ट लगा देनी है ऊपर। ऊपर वाली चेस्ट के अंदर तुम अपने सारे यूजलेस आइटम्स ना जैसे कुछ बची कुछ सीड्स और ये सब डाल सकते हो, और वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली तुम्हारा कुछ टाइम के बाद कन्वर्ट करके दे देगा सारे सामान को। अब मैं ये सब अपना स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तुम लोग जैसे चाहो वैसे स्ट्रक्चर को लगा सकते हो, लेकिन मैंने एग्जांपल दिए, ये काइंड ऑफ एक छोटे से घर की तरह है, बोन मिल का ही फैक्ट्री सी है हम लोगों की छोटी सी। हम लोग यहाँ पे इस सिस्टम को कवर कर देते हैं ट्रैप डोर से, काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत क्लीन लगता है, मतलब तुम कवर कर देते हो ना सिस्टम को, या फिर ग्लास का भी यूज़ कर सकते हो तुम लोग जो भी चाहो वैसे तो, लेकिन मैंने ये अच्छा एग्जांपल दिया, तुम लोग है ना इसको काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ही। और हाँ मैं और बात बताना भूल ही गया मैं, हाँ तुम लोगों को क्या करना है, इसकी रूफ़ है ना उसको ओपन रखना है ताकि तुम लोग ऊपर वाली चेस्ट को एक्सेस कर पाओ। ये हम लोगों का यहाँ पे मैं लैंटर्न्स लगा देता हूँ ताकि रात के अंदर भी दिख जाए ना। मैं सारे फार्म्स के अंदर अपने कुछ लाइट का सोर्स लगा देता हूँ ताकि हम लोगों को रात में भी दिख जाए, सब कुछ काम हो जाएगा हमारा। तो गाइस हम लोगों के सारे फार्म्स बन चुके हैं, ये शीप का फार्म है हम लोगों का शुगर केन का फार्म है, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं ये, तुम लोग अपने वर्ल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो और ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं ये, तुम लोग ट्राई करके देखना डेफिनेटली, ये बहुत ही प्यारे हैं। क्रॉप फार्म ये मेरा फेवरेट है पर्सनली।